और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सवाल का उत्तर दूंगा, एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग तो अपने को शिव का शिव से कहते हैं, शिव आपके गुरु हैं। जितने लोग खड़े हैं वहां गेट पर सभी कहेंगे जी हम महादेव के चेला हैं। हम लोग तो शिव को अपना गुरु कहते हैं। एक महादेव का पहले चेला हुआ है, नाम था मच्छेंद्र नाथ, उनका सही नाम था मच्छेंद्र नाथ, पुकारो नाम था मच्छेंद्र नाथ, लोग पुकारते थे मच्छेंद्र नाथ के नाम से। उनके बारे में इतिहास कहता है कि वे शिव के शिष्य थे, हालांकि उन लोगों ने कहा नहीं कि आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं, लेकिन उनके बारे में किताबें कहती हैं कि वे शिव के शिष्य थे, यानी मच्छेंद्र नाथ महादेव के चेला थे और उनका एगो चेला था, यानी मच्छेंद्र नाथ का एगो शिष्य था जिसका नाम था गोरक्षनाथ, जिसका पुकारू नाम था गोरखनाथ। सुना होगा आपने गोरखनाथ, जिसने आसाम में वो गीत, जैसी कहानियां हैं, आसाम में वो गीत गुनगुनाया था, जाग मच्छेंद्र गोरख आया अगम निगम दिया हेला जी, कैसी नींद सोए आप जी, आप गुरु हम चेला जी, गोरखनाथ की ये पंक्ति। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं, यानी महादेव के चेला का चेला है लिख रहा है, आप तो उससे एक सीढ़ी ऊपर है, आप अपने को महादेव का चेला कहते हैं, यहां महादेव के चेला का चेला कह रहा है, शिष्य का प्रशिष्य कह रहा है। क्या कह रहा है? हबक की न चली बा, मैंने हबक हबक के नहीं चलेंगे, इत्मीनान से चलेंगे, हबक की न चली बा, ठबक की न बोली बा। ठबक के बोलना बुझते हैं, मैं सुन रहा था कुछ लोग बैठा रहे थे ऐसा बोल रहे थे जो कुकुर बोलता, ठबा की न बोली बा, हबा की न चली बा, ठबा की न बोली बा, धीरे धरी बा पांव, धीरे धीरे अपने पांव को बढ़ाएंगे। देखिए महादेव के चेला का चेला बोल रहा है, हबा की न चली बा, ठबा की न बोली बा, धीरे धरीबा पांव, गर्व न करीबा, गर्व नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, सहज रहेंगे, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राम। यानी गोरखनाथ कहते हैं कि हबक हबक के नहीं बोलेंगे, ठबक ठबक के नहीं चलेंगे, जोगी का लक्षण है, साधु का लक्षण है, धीरे धरीबा पांव, धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाएंगे, गर्व नहीं करेंगे, सहज रहेंगे। देखिए और आप लोग कैसा करते हैं, आप लोगों को तो लाज लगनी चाहिए, आप लोग तो महादेव के उससे भी ऊपर हैं, वो तो चेला का चेला बोला था। चलिए अब सवाल का जवाब देते हैं। सात आदमी महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए हैं, सात्विकी हैं, पांच पांडव हैं और एक खुद भगवान श्री कृष्ण है, सात आदमी बचे हुए। सातों जाते हैं भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए, भीष्म पितामह सर सैया पर लेटे हुए हैं, बाण की सैया पर लेटे हुए हैं। जब कृष्ण जाते हैं, अर्जुन भी साथ में है, तो पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं, यानी भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं, सरसैया पर लेटे हैं, मौत अभी उन्होंने आई नहीं है, उन्होंने मांगा नहीं है अभी मौत को, सरसैया पर लेटे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। उनको रोता देख के, उनके आंख में आंसू देख के अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, भीष्म पितामह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, केशव पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, दस वसुओं में से एक है पितामह, तब भी इनको मौत का भय सता रहा है, इनके आंख में आंसू हैं। कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण कोई जवाब नहीं दे रहे। भीष्म पितामह इस सुन के कि अर्जुन जो कृष्ण को बोल रहे हैं, भीष्म पितामह ये सुन के क्या जवाब दे रहे हैं, ये मार्के की बात है, सुनिए। भीष्म पितामह ने कहा, अब अर्जुन को जवाब नहीं दे रहे, अर्जुन ने सवाल किया केशव से, केशव चुप हैं, भीष्म पितामह अर्जुन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कृष्ण को जवाब दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि केशव
मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि मुझको मौत का भय है, क्योंकि मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए हैं कि मैं जानता हूं कि साक्षात परमात्मा पांडवों के साथ हैं कृष्ण, मैं जानता हूं कि साक्षात परमात्मा पांडवों के साथ हैं, और जब से साथ हैं द्रौपदी के स्वयंवर से, और जब से साथ हैं इन लोगों पर जो विपत्तियों का पहाड़ गिरा है सो अभी तक रुका नहीं है। देखिए परमात्मा साक्षात साथ में है और पांडवों पर जो विपत्तियों का पहाड़ गिरा है गिर रहा है सो अभी तक रुका नहीं है। मैं ये सोच के दुखी, मेरे आंखों में आंसू हैं कि क्या विधाता की लीला है, वो खुद साथ में है और तब भी विपत्तियां रुक नहीं रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए ये है जिंदगी, ये है दुख। एक ही चीज हम आप कर सकते हैं, हमको आपको मालूम है कि रास्ता खराब मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, जिंदगी की के रास्ते में आपको खराब सड़कें मिलेंगी ही मिलेंगी, मिलनी ही मिलनी है, कोई इससे बचा नहीं है। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि सवारी ठीक चुन लीजिए। आप ट्रैक्टर से क्यों चुन चल रहे हैं भाई साहब, आप टायर गाड़ी बैलगाड़ी से क्यों चल रहे हैं भाई साहब, रास्ते तो खराब मिलेंगे, एक अच्छी गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए जिसमें शॉकर एब्जर्वर होता है, स्प्रिंग होता है, सस्पेंशन होता है। रास्ता तो खराब मिलेगा लेकिन एहसास कम हो जाएगा, धक्का कम हो जाएगा, आपके शरीर में लगी हुई चोट घट जाएगी। रोडवा तो खराब मिलनी ही मिलनी है भाई साहब, तो शिव की सवारी क्यों नहीं करते हैं? एहसास कम हो जाएगा, दुख आएंगे तो जरूर, लेकिन दुखों का एहसास, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा आपको कम महसूस होगी। मैंने तो देखा है जिंदगी में, मैंने मामूली दुख झेले हैं क्या, और बस झेल लेते हैं, क्या करें, जिंदगी है, इसी का नाम है, सही चलती है। अब महादेव ही ऐसा चाहते हैं तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या करेगा, कोई कर भी क्या सकता है। नेक्स्ट जी, एक भाई की जिज्ञासा है कि महादेव की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, फिर उनको गुरु क्यों माने। एक भाई ने पूछा है कि महादेव की कामना, ये पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनको गुरु क्यों माने। मैं देख रहा हूं सामने दाहिने बैलून बिक रहा है, बैलून, मेरे पोते और पोती दोनों साथ आए, मंच पर आपने देखा होगा, बैलून देख के उन लोगों को लग रहा है कि देखिए एकदम ही तो प्राइम मिनिस्टर का पद है, साला हमको चाहबे कीजिए। बच्चा है, समझ नहीं है, वो तो कहेगा कि बाबा मेरे सब कुछ है, वही रहते हैं साथ में, तो बैलून और टॉफी तो मुझको मिल ही जानी। उसको जरा ज्ञान दे दीजिए, उसको जरा कॉलेज तक जाने दीजिए, तब बैलून हमारी आपकी तरह देख के कहेगा, सोचेगा, उधर ध्यान भी नहीं देगा, बच्चे उधर ही ध्यान दिए हुए हैं और वो ध्यान भी नहीं देगा। जानते हैं हम लोग कि बैलून से जिंदगी नहीं चलती है, टॉफी से पेट नहीं भरता है, प्लास्टिक के खिलौने से जिंदगी खेलती नहीं है, जिंदगी तो अपने दुख और सुखों के खेल में अपने को शामिल करती है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं शिव की अर्चना से, गोरी तेरा आंचल कितना, भाई साहब आपकी मनोकामना कितनी बड़ी है सोने बताइए, क्या चाहते हैं आप शिव से, इतनी छोटी छोटी चीज चाहते हैं ना कि आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको हंसी लगेगी। अरे क्या हम शिव से मांग रहा है, जो चीजें बहुत नीचे मिल सकती थी, क्या शिव से मांग रहा है, देश के सबसे बड़े पदाधिकारी से 1 किलो चीनी मांग रहा है, सलाह भागा है क्या ये। लेकिन उसको ज्ञान 1 किलो चीनी का ही है, तो आपको कहां से शिव पद मांगेगा, कहां से अपने बारे में ज्ञान मांगेगा, कहां से दुनिया के बारे में वो जानना चाहेगा, उसकी तो सीमाएं हैं, उसकी समझ उतनी ही है, उसको गुरु के पास भेज दीजिए और तब पूछिए कि शिव क्या दे सकते हैं, कहेगा वो जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट जी, आपके
प्रथम सूत्र में कहा गया है कि गुरु से दया मांगिए, जबकि हमारे यहाँ कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो कृपा करके कृपा और दया शब्द में अंतर स्पष्ट करने की कृपा की जाए। अरे कृपा का मानी होता है करो और पाओ, सीधा बात। अर्थ तो कृपा का ऐसा नहीं है, समझने के लिए मैं कहता हूँ कृपा करो और पाओ। नौकरी कीजिएगा तो छुट्टी मिलने की कृपा आप पर होगी, पेंशन मिलेगा। नौकरी नहीं कीजिएगा तो रिक्शे वाले को सरकार छुट्टी नहीं देती है, वो करता ही नहीं है तो पाएगा कहाँ से? तनख्वाह उसको नहीं मिलती है सरकारी, क्योंकि नौकरी करता ही नहीं है तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। कृपा का मानी होता है करो और पाओ, तपस्या करो और तब मिलेगा, नमः शिवाय करो तब मिलेगा, दया मांगो तब मिलेगा। हम लोग कहा कि महादेव का मामला है, ये छोट मोट मामला नहीं है भैया। शिवे गुरु है, अब उनसे बड़ा गुरु होता है ईश्वरी है? उनसे बड़ा गुरु होता ही नहीं है। हम लोग के जैसा फटीचर आदमियों नहीं होता। हम लोग कहा कि कृपा मांगेंगे तो फंस जाएंगे, कहेंगे करो तो देते हैं। हम लोग यहाँ साला फटीचर आदमी करेंगे कौन चीज, साला अपना दाल भात का फिक्र से फिक्र, दूसरा चिंता ही नहीं है, उसी में फंसे हुए हैं हम लोग। हम लोग कहा कि हे महादेव आप दया करिए। दया का मानी होता है कि कुछ नहीं किए तब वो चाहिए। दया का मानी होता है कुछ नहीं किए तब भी चाहिए, जिसको मर्सी बोलते हैं। जहाँ नियम नियम नहीं चलते वहां दया होती है। अरे आपका बरसे का नहीं है भाई, गजब वाला। दया का मानी होता है कुछ भी नहीं किया है तब भी चाहिए, सब गड़बड़ हो गया है तब भी हमको सही चीज चाहिए। दया का मानी होता है मन यानी मर्सी, दया। कृपा का मानी होता है करो और पाओ, करोगे तो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जी। सोनारपुर से प्रीति गुरु बहन का की जिज्ञासा है कि शिव को गुरु बनाने से हमें क्या मिलेगा? शिव को गुरु बनाने से हमें क्या मिलेगा आप बताइए? पढ़ने से आपको क्या मिलेगा भाई जी? शिव भी गुरु मिले होंगे तो आपको शिव बनाएंगे। जिंदगी में जीने की कला तो सीख लीजिएगा, दुखों से निकलने का उपाय तो सीख लीजिएगा। शिव में मिलेंगे आप क्या हैं ये जान तो जाइएगा। नेक्स्ट जी। शिव शिष्यता में भोजन की पवित्रता और विचार की पवित्रता पर कोई जोर नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? भैया हम महादेव को गुरु माना था तो खाली सोचा शिव मेरे गुरु हो गए, हम ही सब कुछ सोचवे नहीं किया तो आपको कहला सोचवावे, इसीलिए हमने कोई नियम ही नहीं बनाया। और शिव जब गुरु होंगे उनका शिष्य बनने के लिए तो भाई समुद्र का मछुआरा भी बनेगा, वो मछलियों पर जीवन पालने वाले लोग भी बनेंगे, सब्जी पर अपना जीवन चलाने वाले लोग भी बनेंगे। शिव गुरु होंगे तो इन नियमों को कैसे लागू कर सकते हैं आप? नियम तो गुरु का चलेगा ना, शिष्य का तो नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट जी। एक भाई ने जानना चाहा है कि यह गुरु दक्षिणा क्या होती है? अब मैं नहीं बोलने जा रहा। कोलकाता का ये पावन शहीद मीनार मैदान और उसमें शिव गुरु महोत्सव जिसमें आप सम्मिलित हुए और मुझको आने का सुअवसर मिला, सौभाग्य मिला। आप जानते हैं मैं महादेव का चेला हूं, आप भी महादेव के चेला हैं। शिष्य जैसा आचरण करिए, साधु जैसा बर्ताव करिए। ऐसे भी मैंने बिहार यूपी सब में महोत्सव बंद कर दिए हैं, अब लगता है बंगाल में भी बंद करूंगा। कृपया आप लोग अपने अपने आचरण अपने लक्षण को सुधार करिए। तो मैं कह रहा था कि मैं महादेव का चेला, आप भी महादेव के चेला, तो दोनों की तो कुर्सी बराबर है, लेन देन हो नहीं सकता है। चलिए हम महादेव से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु से ये प्रार्थना करते हैं
कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप सचमुच में शिव के शिष्य बने और शिव के शिष्य के रूप में यही अनधिकार आशीर्वाद भी आपको देना चाहता हूँ। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं करेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, 10 मिनट और कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद आप लोग शिव के शिष्य के रूप में धीरे धीरे जाएंगे। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं शोर करेगा, 10 मिनट कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे शिव के शिष्य की तरह जाएंगे। आप सबों को प्रणाम। आइए हम लोग अपने गुरु शिव का एक भजन सुनते हैं। शिव को अपना गुरु बना के ओ गुरु चर्चा जो करते जाते, गुरु की दया वो पाते, गुरु की दया वो पाते। शिव को अपना गुरु बना के गुरु चर्चा जो करते जाते, गुरु की दया वो पाते, गुरु से जुड़े हैं वो जाते। शिव है मेरे गुरु, मेरा गुरु नहीं और कोई। शिव ही शिव है मेरे गुरु, मेरा गुरु नहीं और कोई। हो सारा जगत है मांगे इन्हीं से, चाहे मानव देव हर कोई। सारा जगत है मांगे उन्हीं से, चाहे मानव देव हर कोई। ज्ञान उन्हीं से मांगता मैं भी, ज्ञान की दान दे थोड़ी। मन से उन्हें बुलाते, दिल से उन्हें बुलाते, गुरु चर्चा में जो आ जाते, चरणों से लिपट हम जाते, चरणों का दास कहते। शिव को अपना गुरु बनाते, गुरु चर्चा जो करते जाते, गुरु की दया वो पाते, गुरु से जुड़े हैं वो जाते। सुख की है विदाया है कहते हरिंदर भाई, ये नहीं सुख की है विदाया कहते हरिंदर भाई। हो सारा सबसे सुंदर सबसे सरल रहा हमको दिया दिखाई। सबसे सुंदर सबसे सरल रहा हमको दिया दिखाई। देखिए आप लोग धीरे 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 अपने घर के तरफ प्रस्थान करेंगे और सहायता करें। आप अपने अपने घर को प्रस्थान करें धीरे धीरे, जैसा साहब ने कहा वैसे ही बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से आप लोग जा रहे हैं। आप सभी साधुता का परिचय दें और धीरे धीरे अपने घर के तरफ मुखातिब हों। सबसे सुंदर सबसे सरल रहा हमको दिया दिखाई। सबसे सुंदर सबसे सरल रहा हमको दिया दिखाई।
गुरुओं के गुरु कहते हम भी तो शिष्य बन जाते, शिव गुरु का चेला कहते शिव को अपना गुरु बना के गुरु चर्चा जो करते जाते गुरु की दया वो पाते गुरु से जुड़ है वो जाते गुरु की दया वो पाते गुरु से जुड़ है वो जाते जिसका मुझे हाँ इंतजार जिसके लिए दिल हाँ बेकरार वो गुरु मिल गए आज दया की हद से उतर जाना है आज चरणों से शिव के लिपट जाना है पाई गई सुमन सिंह इसके माँ बाप खो गए जबकि पहले बोले थे बच्ची बच्चे को ध्यान दीजिएगा आप लोग अपने अपने घर को ध्यान दीजिए और घर को जाइए हम तो गाते रहेंगे साहब थकेगा ना कुत्ता सब भौंक रहे हैं आप लोग अपने अपने घर जाइए साहब हरिंद्र का है कहना साहब हरिंद्र का है कहना इंद्र सूत्र का